नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। दिन भर की देश विदेश की कुछ ताजा खबरों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन, आज से संसद की कार्यवाही नए सदन भवन में आयोजित की गई। सेंट्रल हॉल से बोले पीएम मोदी, पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होगी। पीएम ने पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रखा। बोले, कुछ लोगों को निराशा जरूर हो सकती है, लेकिन दुनिया का विश्वास है कि भारत टॉप 3 इकोनॉमिक बनेगा। जस्टिन ट्रूडो के बयान और कनाडा के भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के बाद अब भारत ने कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया है। लोकसभा स्पीकर ने सदन भवन को आधिकारिक तौर पर सदन भवन का दर्जा दिया। नौ हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को आज किया गया कोर्ट में पेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा से आज हुई शुरुआत। केंद्रीय नेताओं के वार पर पलटवार करेंगे पार्टी के क्षेत्रीय नेता। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन के उपराष्ट्रपति हॉन से की मुलाकात। कनाडा के संसद में बोले पीएम ट्रूडो, कहा खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे हो सकता है भारत का हाथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सीटों का बंटवारा। CWC में कांग्रेस नेताओं की मांग, कहा परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ज्यादा सीटें मांग सकते हैं। नौ हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को ही जेल। 20 मिनट बहस के बाद कोर्ट का आदेश, बयान पर साइन न करने पर भी हुई FIR। ईरान ने 5 अमेरिकी कैदियों को रिहा किया। बदले में अमेरिका ने ईरान के 49,000 करोड़ रुपए रिलीज किए। कतर ने कराई ढील। कनाडा का आरोप, भारत ने सिख नेता की हत्या कराई, इंडियन डेवलपमेंट को निकाला। वहीं भारत ने भी कनाडाई दूत से देश छोड़ने के लिए कहा। ताइवान में 103 चीनी विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की। 24 घंटों में 9 युद्धपोत भी घुसे। चीन के विदेश मंत्री से मिले अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर। सऊदी सरकार के नक्शे में इसराइल नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन को जगह दी। नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार और अमेरिका ने चुप्पी साधी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। 4 FIR के नामजदों के साथ कांग्रेस विधायक मामन खान के तार खंगाले जा रहे हैं। दरअसल FIR में नामजद सभी आरोपी कांग्रेस विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं। बता दें कि फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान को पुलिस अभी तक 4 मामलों में गिरफ्तार कर चुकी है और इन 4 मामलों में पुलिस आरोपी को कोर्ट से 2 बार में 4 दिनों की रिमांड पर ले चुकी है। जिन 4 मामलों में विधायक को आरोपी बनाया गया है, मिली जानकारी के अनुसार उनमें पहले मामन खान का नाम नहीं था। जांच के बाद पुलिस ने इन पर FIR में मामन खान का नाम भी शामिल किया है। पुलिस का कहना है कि इन FIR में नामजद ज्यादातर आरोपी विधायक के ही करीबी हैं। CM फ्लाइंग स्क्वाड की एक टीम मंगलवार सुबह करीब 11 बजे काबड़ी गांव स्थित प्राथमिकता चिकित्सालय केंद्र में अनियमितताओं की शिकायत की जांच पड़ताल करने पहुंची। टीम को शिकायत मिली थी कि यहां पर स्टाफ केंद्र पर समय पर नहीं और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। पानीपत की सड़कों पर दौड़ने वाले ओवरलोड वाहनों पर लगाम कसने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल की टीम और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण RTA पानीपत की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया है। इसके लिए दोनों टीमें सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक शहर की सड़कों पर ओवरलोड और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों की जांच की। पंजाब के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 2000 से अधिक पद रिक्त होने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार को 1 महीने में ज्ञापन जारी कर अगले 8 महीने में शिक्षकों की भर्ती पूरा करने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने पाया था कि पंजाब में पिछले 2 दशक में कॉलेज व यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं हुई है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गरिमा व अन्य ने बताया था कि वह पूर्ण रूप से नियमित भर्ती के लिए योग्य है, लेकिन कॉलेज व यूनिवर्सिटी में नियमित शिक्षकों के पदों पर पार्ट टाइम लेक्चरों की नियुक्ति की गई है। वहीं हाईकोर्ट को बताया गया कि विभिन्न याचिकाओं लंबित होने के चलते 2002 में निकाली गई शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी थी। इन याचिकाओं के लंबित रहते पंजाब सरकार ने पार्ट टाइम लेक्चरों को नियुक्ति दे दी थी और ये लेक्चरर करीब 2 दशक से सेवा दे रहे हैं और अब सरकार ने इन्हें नियमित करने का निर्णय लिया है।
फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का नया जिला कार्यालय खुला है। वही कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे पार्टी के नेता अशोक तंवर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। और साथ ही आपको बता दें कि नज़ारा फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय के उद्घाटन का है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है और हरियाणा सरकार की यूनाइटेडो से जनता त्रस्त हो चुकी है और भाजपा सरकार से निजात चाहती है। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। देखिए एक रिपोर्ट। आज फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का कार्यालय, यहां पर नया कार्यालय खुला है। भाई हरेंद्र जी हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जगह उपलब्ध कराई है और मैं आज इस मौके पर तमाम हमारे ऑफिस बेरों का बहुत बहुत आभारी हूँ, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये भविष्य में एक ऐसा केंद्र बने जो लोगों की समस्या दुख निवारण का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ये जगह हो, ये हम लोगों को मिलकर सुनिश्चित करना है। बाकी आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करने में लगी हुई है, जल्दी से जल्दी हमारा संगठन अगले एक महीने के अंदर वो विलेज लेवल पर होगा। फरीदाबाद NIT नगर निगम के कर्मचारियों ने आज सड़कों पर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि काफी समय से अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते आज कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों तक उतर आया। हमसे दो बार समझौता किया है, इन समझौतों में सरकार ने ठेकेदारी खत्म करने का फैसला किया था, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग करने का, समान काम समान वेतन भत्तों सहित देने का और नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करने, हरियाणा कौशल रोजगार सहित सभी ठेकों को खत्म करके कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करने, अग्निशमन विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने, बस का भत्ता 1,000 रुपया देने, भारी के कर्मचारियों को भी जोखिम बताने का फैसला किया, लेकिन सरकार ने ईमानदारी से इन फैसलों को लागू नहीं किया, इसलिए हम पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ काले बिल लाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।